यहाँ संगरूर में स्वाइन फ्लू और डेंगू बुखार का प्रकोप है। वहीं एक 4 साल की बच्ची को जापानी बुखार का केस भी पाया गया है। बच्ची PGI में इलाज के लिए दाखिल है। सिविल सर्जन संगरूर का कहना है कि बच्ची अपने नान के घर गई थी, वहां सुअर के फॉर्म है जिस कारण बच्ची को जापानी बुखार हुआ। जिला संगरूर के गांव रत्ताखेड़ा की 4 साल की मासूम जैस्मिन PGI में पिछले 35 दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जैस्मिन जापानी बुखार से पीड़ित है। जैस्मिन के पिता गुरविंदर सिंह ने बताया कि जैस्मिन अपने नान के घर गई हुई थी, मगर जब वहां से 19 अगस्त को रत्ताखेड़ा पहुंची तो उसे बुखार था। जब हमने सुनाम संगरूर के अस्पतालों में चेक करवाया तो उन्होंने रेफर कर दिया और 21 अगस्त से PGI में इलाज के लिए दाखिल है। गुरविंदर ने सरकार से गुहार लगाई है कि उसकी बच्ची की जान बचाई जाए। गांव के पंचायत मेंबर संपूर्ण सिंह ने कहा कि पीड़ित बच्ची का परिवार बहुत ही गरीब है, सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि गांव व इलाके में जापानी बुखार से सहम का माहौल है। उधर संगरूर के सिविल सर्जन किरणजीत कौर बाली ने कहा कि जैस्मिन को जापानी बुखार अपने नान के घर सुअर फार्म के कारण हुआ। वहाँ मच्छर पहले सुअर को काटता है फिर इंसान को। उन्होंने कहा कि ये बीमारी बहुत कम पाई जाती है और उन्होंने कहा कि हमने PGI को लिख दिया है कि पीड़ित परिवार अति गरीब है, उसे दवाएं मुफ्त दी जाएं। दड़बा से आज़ाद TV न्यूज़ के लिए कैमरामैन संजीव के साथ विनोद कुमार गोयल की रिपोर्ट। बहुत गरीब परिवार है जी, तो यदि बेटी कोई जापानी बुखार कहें जी हो गया जी, इतने पता नहीं सी PGI जाके पता लगे भी जापानी बुखार है जी। आर्थिक हालत जी सही नहीं हैगी जी। पिंड वालों एक बाबा जी ने साडे निर्मल सिंह जी, उन्होंने भी इन्हों की मदद कराई है, आप भी करी है उन्होंने। पिंड चो भी इन्हों यार दोस्तों ने नाल सारे ने रल मिल के जिन्ना को हो सकता सहयोग दिता जी। साड़ी तो उन्होंने सरकार प्रशासन को यह बेनती है जी भी बच्चे की परिवार की मदद की जाए जी। ना तो उत्थे रह के आए ने जी आपके नानके गुड़िया, तो उतों मैं लैके आया 19 तरीक न आद्या शामी बीमार हो गई है गुड़ी। मैं दवाई भी दवा के लियाया वा, तो दूजे दिन मैं सवेरे काम से वाग्या ठीक रही है, दूजे दिन शाम को फिर डाउन हो गई है। मतलब रात को दवाई लिया डॉक्टर के भी जे ना सही हुई फिर दाखिल करा दिओ। फिर तो असी अगह की अगह सुनाम लाए जी संगरूर, अगह की अगह पटियाले, फिर चंडीगढ़ ऐ भेजता जी। सानू पटियाले जाके उन्होंने दसिया जी बुखार च दौरे पै गए ने, सानू तो पता भी नहीं जी। सानू तो जो कौमां दे विचों बाद च आई है, कौमां चो 15 दिन बाद सानू तो हुण पता लगा जी बाद च भी ये जापानी बुखार। पेशेंट जिहड़ा हैगा उह रत्तेखेड़े रहिंदा, ते उत्थों उहदे नानकी उह मीम से गई सी लड़की ना, उह मीम से जिथे उह रह रहे सीगे तां उत्थे मतलब जदों उह वापस गई आपदे उस दिन उन्होंने बुखार चढ़ गया। फिर अगले दिन जो तेज़ बुखार हो गया फिर उन्होंने लोकल RMP तो कोई दवाई ले ली। तीसरे दिन फिर वो बेहोश हो गई, जो बेहोश हो गई तो उतों फिर वो सुनाम किसी प्राइवेट डॉक्टर के चले गए। उतों बाद उन्होंने कहा भी नहीं संगरूर लै जाओ, संगरूर भी इतने किसी प्राइवेट डॉक्टर के गए, ये नहीं पता RMP दे गए या किसी वे, तो उन्होंने कहा भी नहीं इनू तो किसी वे हॉस्पिटल के लै लो। फिर वह PGI लै गए, तो सानू उदी कोई इनफॉर्मेशन नहीं सी किसी पास्यो भी जो उदा केस हुण 18 या 19 नू हुण पॉजिटिव आया सितंबर दे विच, फिर उदी सानू इनफॉर्मेशन आई कि इहनू जैपनीज एनकेफलाइटिस हैगा। तो फिर साडी टीम उसे दिन ही रत्तेखेड़े पिंड विच गई, पहले उत्थे आसे पासे देखिया तो सानू उत्थे कोई क्ल्यू नहीं सी लभ रहा। फिर मीमसे पिंड दे विच गई तो उत्थे जो देखिया तो 2-3 घर छड्ड के किसी ने सूर पाले हुए सीगे जिहड़ा उहदा मेन कॉज हुंदा। तो फिर असी उत्थे इनफॉर्म कीता, तो चंडीगढ़ तो भी एंटमोलॉजी दी टीम आई, उन्होंने भी वो फिर चैकिंग की, तो सारे उत्थे मच्छर वगैरह पिग वगैरह देखे, तो वो वास्ते फिर वो जिहड़ा सीगा असी साडी टीम ने उत्थे अवेयरनैस भी की है। वो जिन्होंने पिग रखे हुए से उन्होंने बहुत समझाया कि मतलब तुसीं जिहड़े पिग है रिहायशी इलाकों में नहीं रखने होंगे, तुसीं कितें बाहर खेतों वगैरह च रखो जे रखने हैं, तो पर नहीं मान रहे जिवें उन्होंने बहुत समझा दे। फिर असी एक वैटरनी वालों भी एक बेनती की है रिटर्न के भी वो पिगरी वालों समझाओ जाके जिन्होंने रखे हुए है सूर भी वो बाहर लेके जाने जा, जिमें भी उन्होंने ठीक लगता भी वो रिहायशी मकान तो दूर चाहिए है। असी वो कॉपी फिर DC साहब न भी की है। तो फिर एक असी वो कहते ना पेशेंट काफ़ी गरीब हैगा, तो परसों फिर मैं एक लैटर PGI के डायरैक्टर साहब न भी लिखी है कि पेशेंट बहुत गरीब है, यदि वो तो वही हैगी सारी सहायता उतों ही की जाए, तो दवाई वगैरह जिनी भी तुम्हें हैगी उतों डिपार्टमेंट के लवाई जाए।